चाहिए। जिस पर नाजायज़ मुकदमात बने हुए हैं हम उसको नाजायज़ कहते हैं, जिसकी जीत को हार में तब्दील किया गया है हम कहते हैं कि यह गलत काम किया गया, चाहे वो पीटीआई को ज़ाहिर है 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी मिली है इस इलेक्शन में, क्या ये बात नहीं मानती, क्या सबको पता नहीं है ये बात, लेकिन जब आपने उनका रास्ता रोका है तो गलत किया है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। देखें ये मैं ही था ना जो कहता था कि 1100 अरब रुपये के पैकेज पर बात होनी चाहिए, खान साहब कराची को अहमियत नहीं देता, मैं ही कहता था ना, मैं ही कहता था ना कि K4 मनसूबे पे आप उस तरह सीरियस नहीं, आपके लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो हम लोग सियासी इख्तलाफ करते हैं, इशूज पर इख्तलाफ करते हैं, लेकिन इसके नतीजे में मैं ये तो नहीं कर सकता कि आप जीतो इमरान खान हो तो नवाज शरीफ को लाकर बिठा दोगे तो हम कहेंगे नहीं नहीं अच्छे बच्चों की तरह जो आ गया है बस उसको तस्लीम कर दो, ये तो नहीं होगा। मुश्तरका जो इशू है उसके ऊपर जो भी ऐसी ऊपर जो मुश्तरकात के ऊपर अपनी जद्दोजहद करेगी और जेन्युइन तरीके से करेगी तो जमात इस्लामी उसमें अपने आप को आगे बढ़कर हर एक को कबूल करने के लिए तैयार है, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मुश्तरकात के ऊपर साथ चल सकते हैं, साथ मिल सकते हैं, साथ बात कर सकते हैं, सियासी कुवतें इसी तरह चलती हैं। लेकिन जो हमारी पॉलिसी है वो ये है कि अभी तो इंतखाब कोई हो नहीं रहा ना, इंतखाबी इत्तेहाद हम नहीं बनाएंगे, ये हमारी पॉलिसी है, हम यहाँ अपने प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद करेंगे, ये हमारी पॉलिसी है, लेकिन हम किसी के साथ चले जाएँ बात कर लें, कोई हमारे पास आ जाए हम उनके दफ्तर में चले जाएँ, हम उनके जलसे में चले जाएँ वो हमारे जलसे में आ जाए, तो ये तो एक अच्छी चीज़ होती है, तो ज़ाती मफाद के लिए नहीं जमहूरियत की बालादस्ती के लिए ऐसी फोर्सेस के साथ हम बात कर सकते हैं। पॉलिसी हमारी ये है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से ही अपनी सियासी अमल को तेज़ तर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया।